जब लास्ट टाइम बात करी थी तो हमने ये बात किया था कि निफ्टी लार्जली रेंज बाउंड है और 9100 से 9600 रेंज की हमने बात करी थी। तो अगर हम उससे आगे बढ़े तो एक चीज बिल्कुल मार्केट में क्लियर है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, 9600 सप्लाई जोन का काम कर रहा है। और वहां से पीएम के अनाउंसमेंट के बाद जो एसजीएक्स निफ्टी बहुत तेजी से ओपन हुआ था, उसके बावजूद भी नेक्स्ट डे हमारा निफ्टी, डोमेस्टिक निफ्टी कभी भी 9600 क्रॉस नहीं कर पाया है। तो एक कॉन्ट्रोल तो हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। नीचे में हो यू रहा है कि रेंज बाउंड मार्केट में कभी कभी रेंज एक्सपैंड होते हैं, सो हो रहा है। नीचे की क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी इसकी नहीं है कि जब मैंने पूरा ऑलमोस्ट डेटा देखा निफ्टी का, तो एक चीज जो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट 42% जो प्रोबेबिलिटी है वो डाउनसाइड की है और 58% प्रोबेबिलिटी रेंज बाउंड की है। लेकिन जब जैसे मैं हमेशा डाउ जोन्स के साथ मार्केट को क्लब करके देखता हूँ, क्योंकि डाउ जोन्स के साथ बहुत कोरिलेशन हाई है निफ्टी का, तो जब ये हम देखते हैं तो डाउ जोन्स का सिचुएशन कुछ बिल्कुल अलग दिखता है। डाउ जोन्स मुझे ऑलमोस्ट 42% बुलिश लगता है और रफली 25% बेरिश है, जबकि 33% रेंज बाउंड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जब लास्ट बात भी किया था तो ये कहा था कि डाउ जोन्स का 23,000 के आसपास सपोर्ट है और बहुत अच्छा सपोर्ट है। 23,000 के पास जो सपोर्ट है वो काम किया, लेकिन उससे भी ज्यादा जो काम आया था वो आया था 22,800, 22,800 के पास का डिमांड जोन। तो अब एक चीज जो हमें मान के चलना है वो ये है कि जब तक डाउ जोन्स 22,800 और 23,000 का रेंज होल्ड करता है, एक रेंज बाउंड मार्केट की प्रोबेबिलिटी यूएस में भी रहेगी और हो सकता है जो बुलिश प्रोबेबिलिटी हो वो बढ़े, वो हमें अभी क्लियरली पता नहीं है। तो अगर हम इसको अपने मार्केट में भी देखना चाहें तो मोस्टली हमारा मार्केट भी रेंज बाउंड ही रहेगा, लेकिन हमारे यहां अभी कोई भी बुलिश प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रही है। तो क्या कर क्या सकते हैं? तो इस सिचुएशन में यूएस मार्केट को भी वॉच कीजिए और देखिए 22,800, 23,000 टूटता है या नहीं टूटता है डाउ जोन्स का, और ऊपर में 24,000 टूटता है कि नहीं टूटता है। अगर ये नहीं टूटता है रेंज तो शायद ये फॉलो करने वाले हैं हम फिर से। तो जब हम निफ्टी और जो निफ्टी में ट्रैक करता हूँ और डोमेस्टिक मार्केट की मैं बात करता हूँ, यहाँ का जो सिचुएशन है वो ऐसा है कि बेरिश दिख तो रहा है, रेंज बाउंड भी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि बेरिशनेस बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है, मतलब ये है कि डाउनसाइड लिमिटेड दिख रहा है। कहां तक लिमिटेड दिख रहा है? ये अभी बेस बहुत स्ट्रांग बेस नीचे निफ्टी का कहीं भी डिफाइंड नहीं है, इसलिए हमें करना क्या चाहिए जो मुझको दिख रहा है फिलहाल, अभी कहीं ना कहीं निफ्टी करीब करीब 8975 या 8950, 9000, ये रेंज मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी कहीं ना कहीं सपोर्ट लेगा 8975 के आसपास। तो हमारा अप्रोच ये होना चाहिए, जब हमारे पास डाउनसाइड बहुत क्लियर नहीं है और स्ट्रेंथ भी बहुत क्लियर नहीं है, तो पहला अप्रोच तो ये करना चाहिए कि 8950, 8975 कहीं पे भी स्टॉप लॉस लगा लीजिए और एक लॉन्ग ट्रेड कर दीजिए निफ्टी पे, क्योंकि हो सकता है कि 9400 के आसपास का लेवल मिले। लेकिन अगर स्टॉप लॉस गया, पोजीशन दे दीजिए और घर चले जाइए, पोजीशन लेके घर मत चले जाइए, क्योंकि फिर डाउनसाइड कितना है कुछ आइडिया नहीं है अभी, वो धीरे धीरे हमें आइडिया लगेगा और फिर आपके पास हम वैसे ही मैसेज पहुंचाते जाएंगे। ऊपर में 9400 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। दूसरा, जब 9400 पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो एक और ट्रेड वहां पे आप कर सकते हैं जो 9400, 9450 के रेंज में एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। 9600 के ऊपर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा, लेकिन टारगेट बहुत लिमिटेड रहेगा इस पर, टारगेट 9250 पे ही रखिएगा, बहुत ज्यादा शॉर्ट में कमाने का शायद मौका नहीं मिले सेफ्टी के हिसाब से। तो 9600 का स्टॉप लॉस लगा के और 9250 आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये आपका रेंज का ट्रेडिंग तो क्लियर हो गया। 9600 जाएगा और उसके ऊपर निकलता है तो बहुत क्लियर अपना मैसेज रहेगा मार्केट में कि 10,000 अटेम्प्ट होने जा रहा है। तो उस सिचुएशन में करेंगे क्या? 9600 के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड करिए और स्टॉप लॉस कहीं 9400 के नीचे लगा के रखिएगा। जैसा लास्ट टाइम का मैसेज क्लियर था, अभी भी उसी को मेंटेन करेंगे। 10,000 के ऊपर निफ्टी जाता है
तो कहीं ना कहीं 10,500 से 10,800 के रेंज में कहीं जाके वो अपना एक रेसिस्टेंस फाइंड आउट करके हमें बताएगा, उसके पहले नहीं पता हमें। जब वो बताएगा तो उस समय फिर से हम आपसे बात करेंगे और बता देंगे। फिलहाल 10,000 के ऊपर जाता है तो जैसा हमने बात किया था, कैश लेवल को बढ़ाइए और इस रेंज में ट्रेड कीजिए।